कल मैंने आपको कुछ कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन बताए थे स्टैंडर्ड, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन, फिर ln x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। ठीक है कशिश, आपने भेजा, गुड। मैं आज एक बार और भेज देना मुझे कशिश ना, वो पुराने ईमेल्स में छुप गया होगा, एक बार और भेज देना। ठीक है नवंबर 21 डाल के, साइन एक्स का कॉज एक्स, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का नेगेटिव। और यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन मैंने लिख के बताए थे आपको। अब यहाँ पे अपने पास बेसिकली तीन रूल आते हैं डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के, है ना, तो वो तीनों रूल्स अपने को पढ़ना है, थ्री रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। थ्री रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, सबसे पहला रूल जो होता है दैट इज चेन रूल। सेकेंड रूल जो होता है वो होता है प्रोडक्ट रूल। ये बहुत इजी होता है सेकेंड वाला। और थर्ड वाला होता है क्वेश्चन रूल, ये भी बहुत इजी होता है। जो फर्स्ट वाला है चेन रूल, ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, है ना, यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लगेगा, एक वक्त आएगा जब आपको थोड़ा सा ये वक्त लगाएगा सॉल्व करवाने में। ठीक है तो लेट अस स्टार्ट विथ चेन रूल। हो सकता है अपन इसको आज काफी टाइम तक पढ़े, है ना। तो देखिए भाई, आपको मैंने सबसे पहले जो जो बताया है वो ध्यान से सुना, और क्लास का हर बच्चा ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनेगा, है ना, मेरे को 1% का भी इंटरप्शन नहीं चाहिए और कंसंट्रेशन पूरा फुल होना चाहिए। आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझना है। आपका मेन कैलकुलस जो है डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, है ना। कैलकुलस मेन तो खैर अपना फंक्शन चैप्टर ही से ही स्टार्ट होता है ना, जीरोथ चैप्टर ऑफ फंक्शन कहते हैं जिसको अपन, जीरोथ चैप्टर ऑफ कैलकुलस उसको कहते हैं अपन, फंक्शन को और ITF को, वहां से तो स्टार्ट हो ही गया है। लेकिन अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वी विल सी, तो देखिएगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, ये मैंने आपको लिखवाया था कि ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने आपको नहीं लिखवाया था, बट ये अपने को पता है ना। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो दिस इज समथिंग दैट इज नोन टू अस। वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स, हैंग हो गया सिस्टम, ये वाइब्रेट भी करने लग जाता है बहुत तेज। ओके नाउ इट्स गुड। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, अगर ये स्टैंडर्ड है, दिस इज स्टैंडर्ड है ना, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। अब अगर मैं जो आपके पास वेरिएबल होता है ना, ये x को अपन क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो उसकी कहानी में अपन डेप्थ में नहीं जाते अभी, है ना, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए अपने मैथमेटिक्स की समझा ही देता हूँ, मैथमेटिक्स की दुनिया में दो ही वेरिएबल होते हैं, एक होता है वाई एक होता है एक्स, बहुत रेयरली अपन जेड पर जाएंगे, है ना, दैट वी विल गो इन 3D चैप्टर, और उसका पर्पस कुछ और होगा, वो पर्पस फंक्शनल नहीं होगा, वो अपन फिर ज्योमेट्री पढ़ेंगे। वाई और एक्स में क्या होता है ना, वाई एक्स पर डिपेंड करता है। कितना मुश्किल था ये समझना, ज्यादा मुश्किल नहीं था, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो कौन डिपेंड कर रहा है, वाई, तो y कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, डिपेंडेबल वेरिएबल, और x किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, तो ये हो जाएगा इनडिपेंडेंट वेरिएबल। आप भरोसा रख सकते हो पूरे मैथ्स में, आपको ये जो x है ना, पूरा x जो x है वो हमेशा क्या रहेगा, इनडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, x विल ऑलवेज बी इनडिपेंडेंट। पूरे मैथ्स में हमेशा जो x रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा और y डिपेंडेंट रहेगा। तो मैं कभी इंडिपेंडेंट बोलूं तो तुरंत आपके दिमाग में चमकना चाहिए x।
तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स, तो स्टैंडर्ड आपका क्या कहता है कि ई की पावर थीटा अगर आ गया तो है ना, सॉरी ई की पावर में अगर मान लो कोई फंक्शन आ गया कल को डी ई की पावर एफ एक्स, आराम से समझिएगा। तो यहां पे क्या लिखा है, पावर में एक्स, अगर पावर में एक्स आता है तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स खुद। लेकिन अगर पावर में आपके आ जाता है ए की पावर एफ एक्स, तो आपको क्या सोचना है, देखो कैसे सोचना है, सोचने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप सोचेंगे कि ये ए की पावर लफड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए की पावर लफड़ा, ए की पावर लफड़ा का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर लफड़ा खुद, क्लियर। उसके बाद जो लफड़ा है ना एफ एक्स, उसका भी डेरिवेटिव लिखना है अपने को, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिखना है। समझ में आया आपको, धीरे धीरे समझ में आएगा। इसको कहते हैं अपन चेन रूल, इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से समझ में आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर में साइन एक्स। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इजी कुछ नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, ए की पावर समथिंग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, समथिंग को आप क्या बोल दो, समथिंग को आप बोल दो थीटा, थीटा बोल दो, ई की पावर थीटा, जनरली अपन थीटा एंगल को कहते हैं, बट ऐसे मैं कुछ भी कह दे रहा हूँ, लफड़ा बोल दो। चलो ई की पावर लफड़ा का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर लफड़ा, और ये जो लफड़ा है ना इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लफड़ा डैश। तो देखिए बड़ा आसान है, ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई की पावर साइन एक्स, सिंपल। फिर ये साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर से करो, कॉस एक्स, खत्म खत्म हो गया ना। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, अभी कॉस एक्स का डेरिवेटिव फिर से करते हैं साइन, माइनस साइन एक्स, फिर ये माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव करते चले जाते हैं, वो लोग यही करते करते मर जाते बेचारे। ऐसे नहीं करना है आपको, आपको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में क्या था लास्ट में, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। क्या क्वेश्चन में साइन एक्स के अलावा और कुछ है, नहीं है, तो बस इसके आगे अपन डेरिवेट नहीं करेंगे, है ना। और भी क्वेश्चंस करते हैं अपन, ई की पावर में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखा है, ई की पावर में लफड़ा, तो ई की पावर में लफड़ा का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर में लफड़ा जो आता वही आएगा। उसके बाद अपने को जो लफड़ा है एक्स स्क्वायर, उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, खत्म, है ना। बस ये एक्स स्क्वायर के बाद कुछ और नहीं लिखा है, तो आगे अपन डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। डी ई की पावर टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर में टेन एक्स, तो क्या लिखा है, ई की पावर थीटा, ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर थीटा एज इट इज, फिर थीटा मतलब टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव कुछ होता है, हाँ जी सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, खत्म। इसको कहते हैं अपन चेन रूल। चेन रूल मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक अपन डिफरेंशिएट करते जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसको और डिटेल में ले जाके बताता हूँ, ना डिटेल में होता क्या है एक्चुअली। यहाँ पे अपने सामने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, है ना, डी ई की पावर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, आपको ये करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेन रूल के हिसाब से ई की पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर, ई की पावर में एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमारा चेन रूल कहता है कि आप जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल आमतौर पर क्या होता था, ई की पावर में जनरली क्या होता था, ई की पावर में जनरली होता था एक्स, है ना। बट आज क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो आप क्या करो, डी बाय डी एक्स की जगह डी बाय डी एक्स स्क्वायर करो इंटू, अब ये जो डी बाय एक्स डी एक्स स्क्वायर है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। समझो इस बात को कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो डी एक्स लिखा था डिनोमिनेटर वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो न्यूमिरेटर लिखा हुआ था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वाला आइटम अपन ने खुद से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है ना कि
अपना काम आसान हो जाता है। ये इसको अपन डिटेल में समझ रहे कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती तो अच्छी बात है ना। नहीं आती तो भी आपका आंसर आएगा, बट समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या करते हैं अपन, देखो बड़े आराम से, प्लीज़ कंसेंट्रेशन आपका फुल। पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर। पावर में आमतौर पर क्या होता है, एक्स होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आप, डी ई की पावर में थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर। समझो इधर प्लीज, ऊपर एक्स और नीचे भी एक्स के रिस्पेक्ट में करा, तो आंसर में क्या आएगा आपका, ई की पावर में एक्स। ऊपर एफ एक्स, ऊपर एक्स स्क्वायर, तो नीचे ऊपर एक्स स्क्वायर, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो अपने को आता ही है, ये टू एक्स होता है ना। तो ये चेन रूल को अपन अगर ढंग से लिखते हैं तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ चेन रूल, ठीक है। चेन रूल का डेरिवेशन है ये, इसको आप कॉपी डाउन करें पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पीडीएफ देख रहा हूँ जो मैंने आपको भेजा है, उसमें आप है ना कहाँ तक, 1 to 11 मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था। तो कल आप क्या कर लेना, कर लो 1 to 15 कर लो, ठीक है। कल तो आपको छुट्टी मिलेगी ना, अपना संडे को शायद लेक्चर रहेगा, आई डोंट नो। चलिए अब इधर आ जाइए, d by dx of e to the power cot x। तो भाई e to the power क्या लिखा है, थीटा है ना, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा, फिर ये थीटा है, थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, इसको कहते हैं अपन चेन रूल। अब आते हैं अपन प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो प्रोडक्ट, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। या तो आप ऐसा देख लो, ये भी लिख लेना है ना और करके, और एच इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो एच डैश एक्स क्या हो जाता है। देखो प्लीज इधर देखिए, पहले फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे को छोड़ दो और पहले को डिफरेंशिएट कर दो, एक ही बात। या तो ऐसा लिख लो, एच इज इक्वल टू यू वी डैश प्लस वी यू डैश, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, है ना, जो भी आपको सही लगे। ये वाला जनता को ज्यादा आसान लगता है। आगे आ जाएंगे अपन क्वेश्चन रूल में। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, है ना, या आप इसको यू बाय वी बोल दो, ठीक है। तो u by v से ज्यादा अच्छा समझ में आता है अपने को। देखिए आपको अगर डिफरेंशिएट करना है h डैश x, ये डैश मतलब क्या होता है, dy by dx of hx कर रहे हैं अपन, d by dx of, sorry, d by dx of hx कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन रूल में क्या होता है, नीचे क्या लिखा है v, तो नीचे लिख लो आप v square,
और जो आपने जिसका स्क्वायर लिखा है वो यहाँ पे लिख दो। तरीका बता रहा हूँ मैं आपको याद करने का, काफी आसान है। नीचे क्या लिख दो आप, वी स्क्वायर, और फिर वही वी को ऊपर लिख दो। फिर वी के बाद क्या लिखेंगे अपन, यू डैश माइनस यू वी डैश, खत्म। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल, टेक्निकली देखा जाए तो अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है यही खत्म हो जाता है, क्योंकि अपन ने सीख सब कुछ लिया लेकिन अप्लाई नहीं करा अभी तक। अप्लाई करना अपन अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस डू सम एग्जांपल्स। कभी कभी ना ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि डिफरेंशिएशन ऑफ आपको क्या करना है, e की पावर अंडर रूट एक्स। छोड़ो, सबसे पहले आप करो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर में हाफ डिवाइडेड बाई डी एक्स। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि पावर में एन हो तो क्या करते हैं अपन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये तो सिखाया था मैंने, है ना। आगे आपका आंसर, दिस इज योर आंसर, बट मजे की बात क्या है ना, ये आएगा वन अपॉन टू इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस वन, कितना आ जाएगा माइनस हाफ। तो क्या एक्स की पावर माइनस हाफ लिखा है, मतलब वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन रूट एक्स, और बाहर टू है तो क्या आ जाएगा वन पॉइंट टू रूट एक्स। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। लिखिए इसको, याद रख लो इसको, है ना, याद रख लो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है, वन पॉइंट टू रूट एक्स, याद रख लेना बेहतर होता है। हाँ हाँ कर रहा हूं ऊपर इसको लिखिए। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट एक्स, आगे से मैं इसको पूरा नहीं करूंगा, मेरे को याद है ना भाई, अब भी याद करो, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट एक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है ई टू द पावर रूट एक्स का। तो ई टू द पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है आपको तो कैसे करेंगे बताइए। देखो सबसे पहले ये जो ऊपर है ए की पावर है इसको क्या बोल दो आप, इसको बोल दो आप लफड़ा या मसाला बोल दो। चलो अपन बहुत दिन से मसाला नहीं बोले तो मसाला बोल देते। क्या लिखा है ए की पावर में मसाला, ए की पावर में मसाला का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए की पावर में मसाला, है ना, ए की पावर लफड़ा का डेरिवेटिव, ए की पावर लफड़ा। फिर लफड़ा का डेरिवेटिव फिर से करेंगे, मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स, अभी अभी बताया, खत्म। बस रूट एक्स के आगे आपको कोई डिफरेंशिएट करने नहीं, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ। एक्स इंटू ई की पावर एक्स करो, क्या लिखा है यहां पे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। पहला फंक्शन क्या है x, दूसरा फंक्शन क्या है e की पावर x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव वो तो वही होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव खुद वही होता है, प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या है x, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ठीक है,
तो ये आ जाएगा आपका आंसर e की पावर x इंटू एक्स प्लस वन। काफी इजी क्वेश्चन है, है ना। तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम और आप लिखते लिखते समझिएगा, है ना। मैं आपको लिखने का टाइम जो है वो साथ में ही दूंगा, तो अब मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखिए। dy dx of one second x square into ln x। तो क्या करेंगे अपन, प्रोडक्ट है दोनों फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x 1x, ln x का डेरिवेटिव 1x होता है, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये हो गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना x प्लस 2x इंटू ln x। अब ये x और x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 ln x। डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर में एक्स। ओह वेट अ मिनट, इसको रहने दो अभी। e की पावर एक्स मैंने आपको बताया नहीं ना। ओके नाइस, करो भाई। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर में 3, काफी इजी हो गया ना, 3x square, कोई दिक्कत ही नहीं गई अपने को। लेकिन अगर मैं यहां पर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर में पाई दे देता हूँ तो अपन फड़फड़ा जाएंगे। अरे पाई थोड़ी ना कुछ है, पाई कांस्टेंट है, जैसे 3 था ना इधर, वैसे यहाँ पे पाई है। क्या आ जाएगा, पाई इंटू एक्स की पावर पाई माइनस 1। कोई दिक्कत किसी का, y इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड dy by dx एट x इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा नया तरीका है क्वेश्चन देने का, dy by dx आपको निकालना है 0 पर। देखिए करते हैं, अब यहां पे क्या है, फंक्शन आपको डिवीजन में दे रखा है, तो क्वोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो यहां पे अपन क्वोशेंट रूल लगाएंगे, देखिएगा ना। तो dy by dx क्या होता है, आपको मैंने फंक्शन बताया था, फंक्शनल फॉर्मूला इसका क्या होता है, वी स्क्वायर, और जो वी स्क्वायर लिखा उसका वी यहां लिख दो बस, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है। यू डैश माइनस यू वी डैश, है ना, वही चीज अपन यहां पे करेंगे। तो कर ही देते ना डायरेक्ट, डिनोमिनेटर जो है वो v होता है, तो x square plus 1, और v का स्क्वायर मतलब ये हो गया, और v को यहां पे लिख देना एक बार। ठीक है, अब u कौन है, x, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस फिर x इंटू v का डेरिवेटिव, तो x square plus 1 का डेरिवेटिव कौन आ जाएगा, 2x plus 0, मतलब 2x। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन आपको क्या निकालना था, डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पर निकालना था, है ना। तो ये तो है आपका dy by dx, अब आपको निकालना है dy by dx एट x इज इक्वल टू 0। तो x is equal to 0 पर dy by dx निकालना, मतलब क्या करो, इस पर x की जगह 0 डाल दो, खत्म, x की जगह 0 डाल दो, तो 1 minus 0 square upon 0 square plus 1 का whole square, that will give you 1 upon 1, मतलब 1।
लिखिए। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, एक बार मैं लिखवा देता हूं ना, क्योंकि अपन ने इसको जनरलाइज करके नहीं लिखा है। समझो क्या, अपने पास सबसे पहले तो एक फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, है ना। तो ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जैसे आपको मैंने क्या बताया था, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स इन टू साथ में आएगा एल एन ए, क्या आएगा एल एन ए, है ना। बुक्स इसको लॉग ए कहती है, बट अपन समझ जाओ एल एन ए है। क्लियर है यहां तक, कर लोगे ऐसे सारे क्वेश्चन अब। तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो है मैंने यहां पे लिखवाया है, इसको आप यहां पे भी लिख लो टॉप, है ना, यहां पे अगर जगह हो तो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो यहां पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स। Let us do a simple question. सबसे पहले आप मुझे बताइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री टू द पावर एक्स क्या आएगा, थ्री टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो थ्री टू द पावर एक्स खुद होगा इंटू एल एन थ्री। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे डिफिकल्ट होता जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है, थोड़ी सी फड़फड़ाहट हुई होगी आपको, है ना, ट्राई करो उसको लिखने की। ये किसके जैसा दिखता है, आपको सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछना है कि ये फंक्शन किसके जैसा दिखता है, थ्री की पावर एक्स जैसा दिखता है ना। थ्री की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आया था, थ्री की पावर एक्स इंटू एल एन थ्री, तो थ्री की पावर लफड़ा का डेरिवेटिव क्या आएगा, थ्री की पावर लफड़ा इंटू एल एन थ्री, और जो लफड़ा है उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे अपन, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, खत्म। मैच हुआ था आप लोगों का, अच्छी बात है अगर हुआ था, तो नहीं हुआ था तो एक और चांस है आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री टू द पावर एल एन एक्स। ठीक है, ये फंक्शन जो है थ्री की पावर एल एन एक्स, ये किसके जैसा फंक्शन है, सबसे पहले आप ये देखिए, दिस फंक्शन लुक्स लाइक थ्री की पावर लफड़ा, है ना, थ्री की पावर लफड़े के जैसा दिख रहा है ये, तो इसका आंसर क्या आएगा, थ्री की पावर लफड़ा का डेरिवेटिव थ्री की पावर लफड़ा इंटू एल एन थ्री, फिर लफड़ा का डेरिवेटिव एक बार और करेंगे तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव तो हम सबको पता है क्या होता है, वन अपॉन एक्स। क्लियर, लिखो यहां तक, सांस ले लो थोड़ा। लेवल देखना धीरे धीरे कैसे एकदम से हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा दूंगा मैं, पता ही नहीं चलेगा अपने को कि कब अपन वहां पहुंच गए। अच्छा
अच्छा, देखिए 5 की पावर में टेन ऑफ एक्स, सिंपल है ना, काफी सिंपल। 5 की पावर में टेन एक्स को क्या करेंगे, 5 की पावर में आप इसको पूरा जो पावर है ना इसको आप थीटा बोलो। पहले ये देखिए कि दिस इज सिमिलर टू 5 की पावर एक्स, है ना। 5 की पावर एक्स फंक्शन जैसा है, तो इसका डेरिवेटिव कितना था, 5 की पावर एक्स इंटू एल एन 5, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5 की पावर लफड़ा इंटू एल एन 5, है ना। अब ये जो लफड़ा है इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, इधर देखा करो हमेशा, ये लफड़ा जो है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेकेंट स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर में पाई, क्या लिखा है 5 की पावर में पाई, क्या आ जाएगा इसका आंसर। चलो उसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है वहां पे आप तुरंत चकरा जाओगे। पाई की पावर में एक्स, पाई की पावर एक्स में का डेरिवेटिव ये किसके जैसा दिख रहा है, ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एल एन, सॉरी नॉट एल एन, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स मतलब पाई की पावर एक्स इंटू एल एन पाई, है ना। और जो ऊपर फंक्शन है आपके पास एक्स, उसका डेरिवेटिव तो वन आएगा ही आएगा, तो उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे आ जाओ, 5 की पावर पाई एक कॉन्स्टेंट है भाई मेरे, 5 की पावर पाई विल बी अ नंबर, दिस विल बी अ नंबर, तो नंबर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, खत्म। लिखते जाइएगा साथ में, ना मौका नहीं मिलेगा सांस लेने का भी, फिर भी मैं आपको काफी पॉज दे दे रहा हूं। अब एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1। ये तो अपने को पता ही, ऊपर लिख चुके हैं अपन। अपन बारी बारी से सबका चेन रूल सीख रहे हैं कि कैसे कैसे चेन रूल लगाया जाएगा, है ना। ये डबल चेन रूल होता है, इसमें आपको बस दो बार चेन घुमानी है, आगे जाके ट्रिपल, फिर उसके बाद 4, 5, 6 चेन रूल एक ही क्वेश्चन में लग जाते हैं। सब इजी होते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, बस आपको सीक्वेंस पता चलना चाहिए। एक तो ये सब्जी वाले का टाइम भी फिक्स है भाई, अपने लेक्चर के समय ही आता है। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स की पावर में एन, अगर मैं कल को आपको देता हूँ एक्स का स्क्वायर, है ना। चलो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है, समझ में आ रहा है। वन सेकेंड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसका ये फंक्शन जो था वो एक्स स्क्वायर था, है ना। अब अगर मैं आपको डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे चकरा जाएंगे अपने ना, तो थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा सोचने में। देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये क्या होता था, माइनस साइन एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कॉस की जगह कॉस स्क्वायर आ गया है, तो क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं, वी विल कंपेयर इट विद, वी विल कंपेयर
इट विथ थीटा स्क्वायर, है ना? आपको लफड़े से प्यार है तो लफड़ा स्क्वायर बोल दो, डिफरेंशिएशन ऑफ लफड़ा स्क्वायर, है ना? तो लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? टू लफड़ा। अरे अभी तो बताया ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। जब भी एक्स, सुनो मेरी बात, ये जो एक्स है ना एक्स, इसको हम कोई भी फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इसको कॉस एक्स से रिप्लेस कर दिया, नोटिस कर रहे हैं आप? ऊपर मैंने कुछ कुछ किया था, देखिए ना आप, यहाँ पर आपके पास 3 की पावर में क्या था? एक्स। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया कॉस एक्स से। तो जो एक्स है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कोई भी फंक्शन से, उसका डेरिवेटिव मुझे आना चाहिए। तो एक्स को मैंने किससे रिप्लेस करा है? कॉस एक्स से। तो ये 3 की पावर जो भी आया है अब वो लफड़ा कहलाएगा, है ना? जिस भी चीज से एक्स रिप्लेस हुआ है उसको अपन लफड़ा कह देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, इधर मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया है कॉस एक्स से, तो लफड़ा कौन हुआ? कॉस एक्स। लफड़ा आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? टू लफड़ा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता था। तो कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2 कॉस एक्स, ठीक है? 2 कॉस एक्स। अच्छा, और लफड़ा क्या था बच्चों? व्हाट वाज लफड़ा? दैट वाज कॉस एक्स, है ना? तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव फिर से करेंगे अपन, क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आपका लफड़ा होता है उसी का डेरिवेटिव होता है, ठीक है? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। dy dx ऑफ tan x तो अपने को आता है, लेकिन tan स्क्वायर x आता है क्या? बिल्कुल आता है। क्या लिखा है? लफड़ा स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स लफड़ा। फिर लफड़ा कौन था? tan x। tan x का डेरिवेटिव कौन हो जाएगा? sec स्क्वायर x। खत्म। dy dx of sin square x किसके जैसा फंक्शन है? x square टाइप का फंक्शन है। we will compare it with लफड़ा square, है ना? compare किससे करना है आपको, बस वो समझ में आना चाहिए कि किससे compare करना है, that's it, बाकी आपका काम हो गया, ठीक है? तो we will compare it with x square का derivative होता है 2x, तो sin square का हो जाएगा 2 sin x, फिर sin x का derivative एक और बार करेंगे cos x। मजे की बात क्या है, एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, जो कि होता है sin 2x। ठीक है, dy dx of ln square x। अब आप देखिए ये जो फंक्शन था x square, इसमें x की जगह मैंने क्या डाल दिया? ln x, है ना? और उसका square, तो आपको बस x square का derivative क्या होता था? 2x। तो ln square का derivative क्या हो जाएगा? 2 ln x। लेकिन ये जो ln लिखा है अपन ने, इसका भी differentiation करना पड़ेगा, तो ln का derivative भी करेंगे अपन, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि जो आपका theta होता है, जो लफड़ा होता है, उसका derivative last में होता है। तो देखिए क्या लिखा है आपका, ln square, तो ln square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 ln x, फिर उसके बाद लफड़ा कौन है? ln, ln का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by x। कोई लुट गए सनम टाइप से, कोई ऐसा जो चूड़िया तोड़ रहा है अभी कि सर बर्बाद हो गए? cos square x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin x कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कह दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लिख दो फॉर्मूला, माइनस 2 sin 2x, 2 नहीं आएगा सॉरी, माइनस sin 2x। तो खैर अंडरस्टूड है ना, तो मैंने नहीं भी बोला तो आप समझ जाइए। ओके, पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मुझे बताओ, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या देखना है? ये है आपका एक मसाला स्क्वायर, मसाला स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 मसाला, फिर मसाले का डेरिवेटिव कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स
इनटू कॉर्टेक्स, याद होना चाहिए ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले तो आप इसको कंपेयर किससे करोगे वो सोचना है। वी विल कंपेयर इट विद लफड़ा स्क्वायर। लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 लफड़ा, तब 2 साइन इनवर्स एक्स। लफड़ा कौन था? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, आप चाहे तो सारे फॉर्मूले लिख के अपनी दीवार पे फिर से चिपका सकते हो, बट वेट करें ना, क्योंकि जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं आपको सारे फॉर्मूले एक बार में पूरे एक जगह लिखवा दूंगा। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं आप कि मॉड्यूल में सारे फॉर्मूले गिवन है तो मॉड्यूल से देख लो सारे फॉर्मूले, उसको एक पेपर में लिख लो अच्छे से अपनी हैंडराइटिंग में बड़े प्यार से, और उसको सामने एकदम दीवार के चिपका दो। और आपके सामने अभी दीवार में बहुत सारी चीजें लिखी हुई होगी ना, लिमिट के स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे होंगे, उसको देखते रहा करो, है ना, बहुत 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 आपको काम आएगा वो चीज, उसको देखते रहा करो। कोई दिक्कत है यहां तक आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, देखिए काफी इजी है। फॉर्मूले तो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स सबका डेरिवेटिव अपन ने ऊपर सबसे पहले लिख रखा है। ओके, तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन दिया है मान लो अपने पास, तो इसमें जो एक्स है ना एक्स, मैं इस एक्स की जगह कोई भी फंक्शन डाल सकता हूं तो वो क्या बन जाएगा? लफड़ा। नहीं समझ में आया? ये जो x है ना x, मैंने आपको अभी तक यही बताया कि जितने भी आपके स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं ये x, इसकी जगह कोई भी फंक्शन डाल दिया, जैसे x की पावर 2 था तो x की पावर 2 की जगह आपने cos डाल दिया, x की जगह आपने cos डाल दिया, तो वो एक नया फंक्शन बन गया, और उसको अपन जो रिप्लेसमेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? लफड़ा। रिप्लेसमेंट को लफड़ा कहते हैं। तो आपको ओरिजिनल फंक्शन जो है जिससे आप कंपेयर करते हैं वो समझ में आना चाहिए। जैसे यहां पे क्या लिखा है? sin x, है ना, तो sin x का डेरिवेटिव तो मेरे को अच्छे से पता है, d sin x upon d by dx of sin x, ये क्या हो जाता है? cos x। कोई दिक्कत की बात यहां पे है ही नहीं। लेकिन अगर y is equal to sin x की जगह मान लो मैंने 3x डाल दिया, तो क्या मैंने कुछ रिप्लेसमेंट करा? क्या ये फंक्शन नॉर्मल दिख रहा है? ना, इट इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल फंक्शन इज sin x। जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या होता है? sin x होता है। तो ये फंक्शन नॉर्मल नहीं दिख रहा है, पहली बात। है ना, फंक्शन नॉर्मल नहीं दिख रहा है। तो इसमें हुआ क्या है? ये जो x है उसकी जगह रिप्लेसमेंट हुआ है 3x, तो लफड़ा कौन हो गया? लफड़ा हो गया आपका 3x। तो लफड़ा आइडेंटिफाई कर लिया ना आपने, मैं बता रहा हूं ये लफड़े वाली ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली। लफड़ा आइडेंटिफाई कर लिया आपने अगर, तो आपका काम हो गया। तो dy by dx देखो क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन 3x। डी बाय डी एक्स ऑफ साइन 3x क्या लिखा है यहां पे? लफड़ा कौन है? उसको गोला मारो, ये रहा साइन लफड़ा का डेरिवेटिव कॉस लफड़ा। जो गोला मारा है अपन ने लफड़े पे वो क्या है? 3x। तो उसका डेरिवेटिव भी करेंगे, 3x का डेरिवेटिव कौन होता है? 3। तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 3 कॉस 3x। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि लिखो पहले फिर मैं आपको समझाता हूं। लिखो, 10-15 सेकेंड है आपके पास। क्या करना चाहिए ना, देखो
क्या लिखा आपके सामने, डी साइन 3x अपॉन x। देखो अपने दिल पे हाथ रखो, बोलो लफड़ा कौन है, 3 है ना। तो आप क्या करो, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अपन क्या कर रहे थे अभी, x, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू लफड़ा, और ये वाली चीज को ऊपर भी लिख दो d3x, ठीक है। और जो ये dx था ना, अब इसको लास्ट में लिख दो, इसको कहते हैं चेन रूल। बीच बीच में बता देता हूं ना मैं जो डेरिवेशन है, तो इसको कहते हैं अपन चेन रूल। क्या कहते हैं अपन, जो लफड़ा है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर दो, और उसी लफड़े को फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। बेसिकली अपने पास अगर अपन ये दोनों काटेंगे तो लिखा तो यही है ना, LHS ही तो लिखा है, ठीक है। कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको जो चीज सिखाना चाह रहा हूँ, अब आप देखिए ये जो 3x है और ये जो 3x है दोनों सेम है ना। इधर देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ये जो x है और ये जो x है ये सेम है, तो इसका आंसर नॉर्मली cos x आ गया। अब यहाँ पे ये जो x है, ये 3x 3x सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, cos 3x है ना। जो आपका ऊपर और नीचे है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, वो अगर सेम है तो आपका आंसर नॉर्मली वही आ जाएगा। तो ऐसा बोल दिया करो, साइन लफड़ा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लफड़ा इज कॉस लफड़ा, है ना। और 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 3। ठीक है, चलो मैं आपको एक और फंक्शन देता हूं, कोशिश करिएगा। y इज इक्वल टू साइन ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर, कर लोगे? हाँ जी बिल्कुल। लफड़ा कौन है सर, लफड़ा इज 5x स्क्वायर। ओके बहुत ही बढ़िया, तो आप क्या करिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ लफड़ा, मैं काफी बार ये लफड़ा वर्ड यूज करूंगा है ना, अगर आप काउंट करते जाओगे तो पूरा लेक्चर सिर्फ लफड़े में निकलेगा, तो आप उससे जल्दी दोस्ती कर लो, है ना, इरिटेट नहीं होना है आपको। तो तरीका क्या होता है, चेन रूल से अगर करना चाहो तो ऐसे कर लो, डी साइन लफड़ा विथ रिस्पेक्ट टू लफड़ा, फिर ये जो नीचे लिखा है उसको ऊपर लिख दो बाय dx, वही चीज लिखी हुई। अब देखिए डिफरेंशिएशन किसका, साइन लफड़ा का किसके रिस्पेक्ट में, लफड़े के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा cos लफड़ा। फिर 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 5 तो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है ना, ये तो अपने फिजिक्स में पढ़ा है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कितना आ गया 10x, तो आ गया आपका आंसर 10x into cos 5x स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया आपका चेन रूल से। आपको अगर बिना चेन रूल के करना है तो बड़ा आसान है, साइन 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देख लो एक बार, है ना, फिर लिखने का टाइम में देता ही हूं हमेशा। हाँ भाई क्या करेंगे अपन, साइन लफड़ा का डेरिवेटिव कॉस लफड़ा, फिर लफड़ा कौन है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x आ गया। अगर फंक्शन दिया मैंने आपको y इज इक्वल टू साइन ऑफ ln x, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको देखिए साइन ln x डिवाइडेड बाय dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। आपको चेन रूल से करना है तो चेन रूल से कर दो, देखो चेन रूल से करके बता ही देता हूं मैं। तो d लफड़ा कौन है, जोर जोर से बोलो, हु इज लफड़ा, जो x के जगह रिप्लेस हो गया है ln x। तो अपन क्या करेंगे ना, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पहले ln x के रिस्पेक्ट में। दिस इज व्हाट चेन रूल टेल्स, कि आप इसका डेरिवेटिव निकालो ln x किसका, sin ln x का, और फिर उसके बाद जो ln x है उसको फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, है ना। अब देखिए साइन लफड़े का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लफड़ा हो जाएगा cos लफड़ा, और dln x, ln x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो अपने को आता है, ये हो जाएगा अपन upon x। लिख लो आराम से, सेकंड तरीका तो आप नॉर्मली सोच सकते हो। ऊपर वाला भी लिखना चाहो तो ये रहा आपके लिए स्पेस, है ना।
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ लफड़ा, साइन लफड़े का डेरिवेटिव कॉस लफड़ा, लफड़ा अपॉन ln x उसका डेरिवेटिव 1 बाय, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, क्या अपन आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? कसम से? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला फंक्शन है आपके पास कॉस ऑफ टैन एक्स। क्या बोलती है जनता, क्या यह फंक्शन किसके जैसा दिखता है? कॉस लफड़े के जैसा दिख रहा है ना। ओरिजिनली जो फंक्शन कॉस एक्स था उसके एक्स को अपन ने रिप्लेस करके टैन एक्स डाल दिया, तो दिस लुक्स लाइक कॉस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा है ना, वो निकाल सकते हैं अपन आराम से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप मन में हमेशा 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 आप लफड़ा बोलो, आपका क्वेश्चन कभी गलत हो गई नहीं। कॉस लफड़े का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन लफड़ा, ठीक है, लफड़ा अपॉन टेन एक्स, तो उसका भी डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, खत्म। अगला क्वेश्चन लिखो, टैन ऑफ एलिन एक्स, डर लगा? नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है। डी वाई बाई डी एक्स, हाँ भाई टैन लफड़ा, टैन लफड़े का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर लफड़ा, फिर लफड़ा कौन एलिन एक्स, उसका डेरिवेटिव वन बाई एक्स, खत्म खत्म। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा, टैन ऑफ एलेन ऑफ एक्स स्क्वायर, टैन ऑफ एलेन ऑफ एक्स स्क्वायर, सोचो सोचो सोचो। अब यहां पर एक्चुअली में है ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा सोचने में। यहां पे एलेन क्या था, एक्स, यहां पे क्या है एलेन, एक्स स्क्वायर, तो क्या करें? देखते हैं। सबसे पहले आप क्या बोलो, टैन के अंदर जो भी चीज है उसको गोला मारो, बोलो लफड़ा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एलिन के अंदर आमतौर पर क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। बच्चों प्लीज सब कुछ लिखना छोड़ दो, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे सब आसान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिन के अंदर, टैन के अंदर आमतौर पर क्या होना चाहिए था, टैन के अंदर आमतौर पर क्या होना चाहिए था, एक्स, बट क्या है एलिन एक्स, तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको लफड़ा कह देंगे। अब लफड़े को अपन ने ध्यान से देखा, लफड़ा क्या था, एलिन एक्स होना चाहिए, बट आपको दिया क्या है लफड़े में, एलिन एक्स स्क्वायर। एलिन के सामने, एलिन के सामने आमतौर पर क्या होना चाहिए, एक्स, बट यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये तो एक और लफड़ा आ गया, बट इसको अपन मसाला कह देते।
भाई एक्स होता अगर तो नॉर्मल फंक्शन था, बट एक्स को रिप्लेस करके एक्स स्क्वायर कर दिया, तो ये वाली जो चीज है ना ये हो गया आपका मसाला। तो अब अपने को लफड़े का डेरिवेटिव भी करना है और लास्ट में मसाले का भी डिफरेंशिएशन करना है। इसको कहते हैं ट्रिपल चेन रूल। समझाता हूं मैंने, देखिए सबसे पहले आप है ना ये मसाले को भूल जाओ। सबसे पहले देखो टैन के सामने जो चीज है वो क्या है, एल। तो टैन लफड़े का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर लफड़ा। अब लफड़ा क्या है, एल एन ऑफ मसाला। एल एन मसाले का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय मसाला, है ना। और मसाला क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स, खत्म। अच्छा मसाला जो एम है ना उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल दो एक्स स्क्वायर। मैं फिर से बताता हूँ, फिर से देख लो एक बार। टेन लफड़ा का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर लफड़ा। लफड़ा क्या था, एल एन मसाला। तो एल एन मसाले का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय मसाला। फिर मसाला कौन था, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन है, टू एक्स, खत्म। अब जाके आपका क्वेश्चन खत्म हुआ है। यहाँ पे एल की जगह पूरा फंक्शन डाल देना, है ना, एल की जगह ये पूरा फंक्शन डाल दो। चलो मैं एक बार ऐसा लिख देता हूँ, सेकेंड स्क्वायर लफड़ा इंटू एल एन ऑफ वन बाय मसाला इंटू मसाले का डेरिवेटिव है टू एक्स। ऐसा लिख देंगे तो जल्दी समझ में आएगा, सेकेंड स्क्वायर एल एन एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ मैं। कितने लोगों को क्लियर है ये वाला फंक्शन, एक और बता देता हूँ फिर उसके बाद आप टाइप करना, है ना। अगर क्लियर हो तो आप टाइप करना, क्लियर हो नहीं हो तो बोल देना कि सर थोड़ी दिक्कत जा रही है, ठीक है। दो क्वेश्चन और करते हैं ना, ताकि दो में अपने को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। y इज इक्वल टू टैन ऑफ साइन ऑफ एल एन एक्स, ठीक है। टैन ऑफ साइन ऑफ एल एन एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करें आप, हाँ जी। अब ये कॉल आया था कि जिन्होंने होमवर्क नहीं करे पिछले कुछ हफ्तों से और आज का भी, उनके घर पे कॉल आएंगे रेगुलरली, है ना। होमवर्क करना काफ़ी ज़रूरी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, फेल हो जाओगे वरना। समझ में नहीं आएगा ना, आज समझ में आएगा कल भूल जाओगे। देखो क्या लिखा है, टेन के सामने जो चीज़ लिखी है उसको अपन बोल देते हैं लफड़ा, फिर साइन के सामने जो चीज़ लिखी है उसको अपन बोल देते हैं मसाला। नॉट बैड, गुड इनफ। चलिए डी वाई बाई डी एक्स, टैन लफड़े का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर लफड़ा। फिर लफड़े का डेरिवेटिव, लफड़ा कौन है, साइन मसाला, है ना। साइन मसाले का डेरिवेटिव कॉस मसाला, और मसाला कौन है, एल एन एक्स। एल एन एक्स का डेरिवेटिव यहां पे एम डैश लिख दिया करो, मसाले का डेरिवेटिव, है ना। तो डायरेक्टली देखिए सेकेंड स्क्वायर लफड़ा, लफड़ा पूरा ये जो मैंने बॉक्स डाला था उसको छाप दो एज इट इज, साइन ऑफ एल एन एक्स। फिर कॉस मसाला,
कॉस ऑफ मसाला कौन था ये? ब्लू वाला मतलब एलेनिक्स। फिर ये मसाला डैश मतलब एलेनिक्स का डेरिवेटिव। एलेनिक्स का डेरिवेटिव कौन आ जाएगा? वन अपॉन एक्स। खत्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसके बाद बताइएगा आपको क्लियर है या नहीं। ये जैसे ही खत्म हो जाता है आपको टाइप करना है कि क्लियर है, या और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँ, और भी बताऊंगा क्वेश्चंस तो मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा, बट नहीं क्लियर हो तो भी लिख देना कि सर यहाँ पे एक चीज जो है वो दिक्कत दे रही है, ऐसा जो भी लगे आपको। ओके, कॉज ऑफ, वन सेकेंड, कॉज ऑफ एलेन ऑफ साइन एक्स है ना। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये कॉस के सामने जो चीज है वो पूरी चीज क्या है? लफड़ा। कॉस के सामने जो चीज है वो लफड़ा है, और लफड़े को ध्यान से देखा अपन ने तो एलेन ऑफ साइन एक्स, ओहो मतलब एलेन के सामने एक्स होना चाहिए था बट साइन एक्स है, मतलब एक और चीज आ गई मसाला है ना। तो देखिए क्या करेंगे, कॉस लफड़ा, सबसे पहले आप इसको क्या देखो, कॉस लफड़ा, कॉस लफड़े का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन लफड़ा। फिर लफड़े का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, व्हाट इज लफड़ा? एलन मसाला है ना, एलन मसाला है आपका लफड़ा, तो एलन मसाले का डेरिवेटिव वन बाय मसाला। फिर मसाला कौन है? साइन एम, इसका भी डेरिवेटिव, लास्ट में मसाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। अब आप लफड़े की जगह क्या लिख दो? एलन ऑफ साइन एक्स। मसाले की जगह क्या लिख दो? साइन एक्स। और मसाले डैश की जगह क्या लिख दो? साइन एक्स का डेरिवेटिव मतलब कॉस एक्स। ठीक है, कितने लोगों को क्लियर है वाला, यहां तक के तीन क्वेश्चंस? क्योंकि यार सब कुछ इस पे डिपेंड करता है ना, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी क्या कभी कभी डाउट आ जाते हैं, तो एक बार देख लो आप, फिर मैं थोड़ा सा लेवल जो है वो और इंक्रीज करूंगा है ना, मतलब हालत खराब हो जाने वाला लेवल। तो यहां तक समझ में आ रहा है तो आगे कुछ दिक्कत नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगी। ठीक है, हेलो। नहीं भेजा है मैंने, डॉक्यूमेंट भेजा है तो वो भेज दिया, ग्रुप पे भेज दिया है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलो ठीक है ना, मुश्किल नहीं लग रहा है ना आप लोगों को, मतलब कर लोगे मतलब, चलो बहुत ही बढ़िया है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपके सामने एक फंक्शन है टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, करो उसको सॉल्व, इसका डेरिवेटिव निकालना डी वाई बाई डी एक्स। मैं आपको अभी भी बता सकता हूं कि इतना क्लियरली आपको नहीं समझ में आएगा, बुक से पढ़ने की कोशिश मत करना। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि बुक से देख लेंगे, कोई भी बुक से, बुक में थोड़ी ना बताएगा कि कौन लफड़ा है कौन मसाला है, भाई फंस जाओगे ना। जिन लोगों के नाम लिख रहा हूं मैं, प्रेजेंट सर लिखो, मैं कुछ नाम बोलूंगा, प्रेजेंट सर लिखिएगा। ओके, हिमांशु पाटिल, दर्शन, विनीत, निमिष, हर्षा, केतकी,
जिनके नाम लिए सबको प्रेजेंट सर एक बार लिखिए। हाँ भाई, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या किया जाए इसका? कुछ लोग है ना एकदम बावड़े हो जाते हैं कि टेन के सामने लफड़ा दिखा तो बोला कि टेन लफड़े का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर लफड़ा, फिर लफड़े का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ रहा होगा बहुत सारे लोगों का, पागल हो गए आप लोग। सही है आपका आंसर, लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस नहीं कर पा रहे हो, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स ही तो होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन। तो आपका फंक्शन जो है ना, अरे टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्स होता है, तो वाई क्या है, एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, खत्म। मैंने जिनका नाम लिया अगर आपने प्रेजेंट नहीं बोला तो आज अच्छा नहीं हुआ है ना। विद इन वन मिनट मतलब आपका टाइम जो है 39 चल रहे हैं, देखिए 2:39 टाइम है, 2:40 के बाद आपके आंसर्स में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली आपके दोस्त बोल देंगे ना कि भाई आपका नाम दिया गया 2:40। हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव निकालिए, साइन इनवर्स 5x, इजी है काफी, है बहुत इजी है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/(1 - x²), ये रफ है। तो साइन इनवर्स लफड़े का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/(1 - λ²), है ना। और जब भी मैं लफड़ा बोलता हूँ तो लफड़े का डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5। मुझे पता है कीर्ति, मुझे पता है कौन कौन नहीं कर रहा है ना, तभी तो मैंने नाम लिया है। और ये सिर्फ आज का नहीं है, ये वाला आंसर आया था आप लोगों का, है ना, अच्छी बात है अगर आया था तो। अब आपको अगर मैं फंक्शन देता हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, जल्दी बताइए क्या है। फंक्शन है आपके पास 1 - cos 2x अपॉन साइन 2x, है ना। अगर आपका इसका आंसर 0 आया है तो बहुत अच्छी बात है, है ना। देखो ये क्या लिखा आपके सामने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो बेसिकली फंक्शन क्या है आपका, पाई बाई टू। पाई बाई टू क्या है, एक नंबर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 0 खत्म। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना। टुमारोज होमवर्क, नहीं आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, गुड, यहां पे आ जाइए। देखो 1 और cos x को एक दूसरे से प्यार है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो ना, कैंसिल कर सकते हो। cos 2x के तीन फॉर्मूले होते हैं, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो 1 और 1 कट जाएंगे, है ना। और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, तो ये 1 और 1 कट जाएगा, बाहर का माइनस और अंदर का माइनस प्लस 2 sin² x। ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स। किसी का आंसर आया था अभी, आंसर हो, सॉरी आंसर तो आया नहीं अभी, तो फंक्शन को अपने सिंप्लीफाई करा है बस। तो फंक्शन असल में है क्या, tan x, है ना, फंक्शन इज tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec square x, क्लियर। अच्छा बहुत बढ़िया है ना, चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला फंक्शन निकालता हूँ।
साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखा ये? नॉर्मल है या लफड़ा है? लफड़ा है ना, दिस इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल कब होता है? यहाँ पे जब एक्स होता, सिंपली एक्स होता तो चीजें सही होती, बट एक्स स्क्वायर है। तो साइन इनवर्स लफड़े का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? वन अपॉन वन माइनस लफड़ा स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए, आया तो है, पीछे चल रहा है आपका लेक्चर शायद। हाँ भाई, मैं जो बता रहा था, साइन इनवर्स लफड़े का डेरिवेटिव वन अपॉन वन माइनस लफड़ा स्क्वायर। अब लफड़ा क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करेंगे अपन 2x। इसको कहते हैं अपन चेन रूल। आज अपन ने बहुत अच्छे से चेन रूल को समझा है। दिस लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मैंने बोला भी था आसान है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था आसान है। तो होपफुली आपको आसान लगा हो, अच्छी बात है। आसान लगा है तो इसका मतलब अच्छे से पढ़ भी रहे हो, ऐसा नहीं है, तो आपको भी क्रेडिट जाता है। मुश्किल लगा है तो भी आपको ही क्रेडिट जाता है ना। चलिए, टैन इनवर्स ऑफ 1/x प्लस टैन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इसका आंसर जो भी बताएगा उसके दिल, मतलब उसके लिए हमारे दिल में इज्जत बढ़ जाएगा, ये वाला आंसर। चलो मैं आपकी आसानी के लिए ना एक चीज लिख देता हूँ, x इज पॉजिटिव। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा x पॉजिटिव या नेगेटिव है, बट मैं लिख देता हूँ। x इंटू साइन इनवर्स x। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ, ऊपर वाला आप कर ही रहे हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट रूल लगाना है अपने को। मेरे को जब तक आंसर मिल ना जाए तब तक मैं इसको स्टार्ट नहीं, इसको नहीं करूंगा। क्या बात है यार, सब जीरो दे रहे इसका आंसर, कसम से बहुत ही बढ़िया ना। चलो बहुत ही बढ़िया, आपको थोड़ा बहुत तो याद है भाई ITF। क्या लिखा? टैन इनवर्स 1/x। टैन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉट इनवर्स x, इफ x इज पॉजिटिव। देख लो ना, रिवाइज भी करा देता हूँ। टैन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉट इनवर्स x, अगर x पॉजिटिव है तो। वॉट इफ x इज नेगेटिव? अगर x नेगेटिव है तो ये चीज क्या हो जाती है? देख लो, tan इनवर्स 1/x, पाई आपको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। किस तरफ? tan की तरफ। अगर नेगेटिव है तो, मैंने आपको सिखाया था ना ये चीज, अगर नेगेटिव है तो आपको tan की तरफ पाई ऐड करना होता है, मतलब cot की तरफ पाई सब्ट्रैक्ट करना होगा। यस, तो अब नेगेटिव तो था ही नहीं यहाँ पे, होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट नेगेटिव है ही नहीं यहाँ पे, क्या है? x पॉजिटिव, तो सिंपली आ गया। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, खत्म, है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप dy / dx 0। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, होपफुली आपको मजा आया होगा आज के लेक्चर में, सब कुछ समझ में आया होगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद अपन टाटा बाय बाय रखते हैं। और आपको कल का होमवर्क जो है वो भेज दिया गया है, ग्रुप पे भेज दिया, पवार सर फिर से अब उसको अपलोड करेंगे, तो देख लीजिएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बस दिस इज योर आंसर। ये आपका y डैश है, dy / dx को अपन y डैश भी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये वाला क्वेश्चन आप जो है होमवर्क में ट्राई करिएगा, e की पावर x इंटू टैन इनवर्स x। होमवर्क में क्या ही करोगे इसको, मैं 10 सेकंड में कर ही देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं अपन। होमवर्क आपका ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया है, आपको क्या करना है?
सुनो मेरी बात है ना, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करना है। कल और परसों दोनों दिन अगर छुट्टी है, मान लो अपन अगर मंडे को मिलते हैं, मेरे ख्याल से अपन मंडे को ही मिलेंगे, है ना? तो आपको अप टू 25 सॉल्व करना है। समझ में आया क्या? पूरा 25 सॉल्व करना है आपको। टॉपिक 7 पूरा सॉल्व कर लेंगे अपन अप टू 25। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं अपन। बाय एवरीवन।